वक्त की बड़ी और अहम खबर से जो की राजधानी भोपाल से आ रही है, आपको बता दें मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, कई सिंचाई योजनाओं को मिली स्वीकृति। विंध्य में 663 गांवों के लिए सिंचाई योजना स्वीकृत। बाण सागर परियोजना के विस्तार के लिए मिली स्वीकृति। 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त की मिली स्वीकृति। मध्य प्रदेश में बनेगा प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग, आयोग की संरचना को मिली मंजूरी। वो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी दी गई है। आपको बता दें विंध्य में 663 बात की जाए तो कार्यों को स्वीकृति मिली है, कई सिंचाई योजनाओं को भी यहां पर स्वीकृति मिली है। कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्ताव लिए गए हैं। बाढ़ सागर परियोजना के विस्तार की भी स्वीकृति मिली है। एमपी में बनेगा प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग, इसको लेकर भी हरी झंडी दे दी गई है। तो खबर भोपाल से है, जहां पर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक थी जो वो खत्म हो गई है। उस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अनुराग, बात की जाए तो मोहन कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ प्रस्तावों पर यहां पर हरी झंडी मिली है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर आपको बताएं तो दो सबसे बड़े फैसले जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जिस तरह का दो दिनों से मौसम खराब हुआ और खड़ी फसलों को नुकसान हुआ, तो सीएम ने मंत्री विधायकों और सांसदों को कहा है कि वो इस पर नजर रखें कि राजस्व अमला किस तरह से कार्रवाई कर रहा है और जल्द से जल्द इसमें जो है वो एक राहत जो किसानों के लिए पहुंचाई जाए और इसका सर्वे जो है वो आज ही से शुरू हो जाना चाहिए। सीएम ने ये निर्देश दिए कैबिनेट बैठक में। लेकिन इसके तहत जो दो बड़ी खबरें हैं वो ये है कि अब मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बनेगा। प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन आयोग इसलिए बनेगा क्योंकि मध्य प्रदेश में कई नई तहसील और नए जिलों और नए थानों का जो है वो एक बार फिर से डिलिमिटेशन होना है। लेकिन अब ये काम सीधे जीएडी नहीं करेगा, सामान्य प्रशासन विभाग नहीं करेगा, इसके लिए एक अलग से कमीशन बनेगा। यानी एक नए आयोग को मध्य प्रदेश में मंजूरी मिली है। किस तरह इसकी संरचना होगी, किस तरह का रोल होगा, पदों पर किन को रखा जाएगा, ये पूरा की पूरा जो है फॉर्मेट आज मंजूर कर लिया है मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, जो महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण खबर है नर्सिंग के छात्रों के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, लैब टेक्नीशियंस के लिए। अभी तक के पैरामेडिकल काउंसिल्स के जरिए ये अपने रजिस्ट्रेशन करवाते थे या इनको रिन्यू करवाते थे, लेकिन अब नहीं, एलाइन हेल्थ काउंसिल जो है वो मध्य प्रदेश में गठित की जा रही है और सारे की सारे जो कार्य अब तक के मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल काउंसिल करती थी वो इस काउंसिल को दे दिए जाएंगे। इसको भी आज मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो निश्चित रूप से तीन बेहद बड़े निर्णय हैं लोगों की जानकारी के हिसाब से, किसानों के लिए आज से अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वो मेडिकल स्टाफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको हर 3 और 5 साल के दरमियान जो है अपने रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने होते हैं और नए रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं। लेकिन अब ये पूरा कार्य नई काउंसिल के तहत होगा। जी कपिल, अनुराग, बात किया जिस तरीके से नर्सिंग की आपने बात की है, नर्सिंग छात्रों के हित में बात की है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नर्सिंग के एडमिशन में रोक लगी है, क्या उसको लेकर भी बातचीत हुई है, जिस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही थी? देखिए, पूरा की पूरा ये जो पूरा सिस्टम है कहीं ना कहीं एक मुश्किल भरा सिस्टम था और जिस तरह की ये पूरी चीजें हो रही थी, और यही कारण है कि एक पूरी नई काउंसिल का गठन होगा। साफ तौर पे देखें तो इससे मध्य प्रदेश के नर्सिंग के छात्र, नर्सिंग के स्टाफ, पैरामेडिकल के छात्र, पैरामेडिकल का स्टाफ, यानी लाखों की संख्या में सीधे तरीके से नई प्रक्रिया से जाना होगा क्योंकि पिछली प्रक्रिया कहीं ना कहीं विवादों में रही, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, करप्शन के आरोप लगते रहे और कहीं ना कहीं इस बात के भी आरोप लगे कि प्रक्रियाओं में काफी धीमी गति से काम होता है। और यही कारण है कि एक नया फॉर्मेट जो है मध्य प्रदेश सरकार के सामने लाया गया था जिसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कपिल, अनुराग, बात की जाए बाण सागर परियोजना को भी यहां पर विस्तार के लिए मंजूरी दी गई है, क्या कुछ उसमें खाका तैयार किया गया उस परियोजना के लिए? देखिए, 660 नए गांवों को जोड़ा गया है, 3 नई अगर देखें सिंचाई योजनाओं का विस्तारीकरण किया गया है और इसके लिए अलग अलग बजट जो है वो आवंटित किया जाएगा। 2000 हेक्टेयर का अतिरिक्त विस्तार बाणसागर परियोजना से होने से निश्चित रूप से कम अगर हम बात करें सीधी सिंगरौली और रीवा के उन 660 गांवों को फायदा मिलेगा जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा था या वो पठारी क्षेत्र में थे। और खुद राजेंद्र शुक्ला इसको लेकर इनिशिएटिव लेते रहे थे डिप्टी सीएम और आज उस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा गया है और उसको मंजूरी दी गई है। कपिल, चलिए अनुराग, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और कई अहम प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी भी मिली है। आपको बता दें सबसे बड़ा जो फैसला है वह है पुनर्गठन आयोग का है।